दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल ने मारा दुनिया का सबसे लंबा छक्का तो दंग रह गया पूरा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मुकाबले में शुभमन गिल ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया था। तो आखिरकार शुभमन गिल ने किस गेंदबाज के खिलाफ दुनिया का सबसे लंबा छक्का मारा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ कितना लंबा था ये छक्का, इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के मैदान पर अंतिम वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बना दिए और अपने सभी विकेट गंवा दिए। तो वहीं 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने तड़कती भड़कती शुरुआत की, जहां पर दोनों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करके हर किसी को हैरान कर दिया। और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी का परिचय दिया और इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल स्टार्क को तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने आड़े हाथों लेते हुए लंबा छक्का जड़ा, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल शुभमन गिल ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लगा दिया। आपको बता दें, मिचेल स्टार्क ने शुभमन गिल को एक लंबी गेंद दी, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए शुभमन गिल ने सभी को हैरान कर दिया। शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पैरों पर आई गेंद को मिड विकेट की तरफ से मैदान से बाहर दर्शकों के पास पहुंचा दिया, जहां पर गिल ने लपेटते हुए लंबा छक्का ठोका था। शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर 83 मीटर का ये लंबा छक्का लगाया था, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि ये दुनिया का सबसे लंबा छक्का तो नहीं था, लेकिन इनके छक्के को लेकर हर कोई हैरान रह गया था और मैदान पर मौजूद दर्शकों ने उत्साह में उनके इस शॉट को तालियों के साथ सराहा भी, उनके इस बेहतर प्रदर्शन की सराहना भी की। और ऐसे में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर टीम मैनेजमेंट भी खुश है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने सनसनीखेज गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने तूफानी गेंदबाजी का परिचय देते हुए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम अर्जित कर लिया है। हार्दिक पांड्या ने इस दौरान बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसको आज तक महान गेंदबाज भी नहीं कर पाए हैं। तो आखिरकार हार्दिक पांड्या ने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही उनकी गेंदबाजी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और कपिल देव में कौन है खतरनाक ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या ने दो ओवर के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दो महान बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कर लिया है। दरअसल भारत को पहली सफलता हार्दिक पांड्या ने दिलाई। उन्होंने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। हेड 31 गेंद पर 33 रन बनाकर कुलदीप यादव को कैच थमा बैठे। उन्होंने मिचेल मार्स के साथ पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका भी हार्दिक पांड्या ने दिया। उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया। स्टीव का कैच विकेट के पीछे केएल राहुल ने लिया, वह खाता भी नहीं खोल सके। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या जब अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए तो उन्होंने मार्श को अर्धशतक लगाने से रोक दिया और 45 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट हासिल किए। इस बीच हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया। दरअसल हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर के अंदर 3 विकेट लेने का कारनामा वनडे में पहली बार किया है। तो वहीं उन्होंने स्टीव स्मिथ को 7 पारियों के अंदर 5 बार आउट करते हुए विरोधी टीम के कप्तान को काफी ज्यादा परेशान किया, जो इतिहास का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड माना जाता है। ऐसे में स्टीव स्मिथ के सामने हार्दिक पांड्या का दबदबा बेहतरीन है और हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 3 विकेट लेकर दिखा दिया कि वह किस अंदाज से ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए सभी को हैरान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।